माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात विलयनों के अणुसंख्य गुण क्या होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, अणुसंख्य गुण, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। These are physical properties of solution of non-volatile solute which depend upon particles of solute or mole fraction of solute present in the unit volume of solution are known as colligative properties of solution। विलयनों के वे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या अर्थात विलय के मूल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। विलयन के इन गुणों को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंख्य गुण कहते हैं। इन्हीं अणुसंख्य गुणों पर वन बाय वन एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण अणुसंख्य गुण हैं। इनमें मुख्यतः है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब विलयन का एक अणुसंख्य गुण है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का अवनमन अर्थात लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यह भी विलयनों का एक अणुसंख्य है यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक का अवनमन। ये सारे के सारे भौतिक गुण हैं, परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक का अवनमन अर्थात डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं विलयन के और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं अपॉन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या अर्थात मोल प्रभाज किस पर निर्भर करती है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहां पे स्मॉल एन क्या है, विलय के मोल यानी मोल ऑफ सॉल्यूट, और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन यहां पे ये हो गया टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल। तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस पे हम आप चर्चा कर भी चुके हैं, आपको बताया भी है मैंने। नॉन वोलेटाइल्स क्या होते हैं, अवाष्पशील सब्सटेंस जो हैं उन पर उनके सॉल्यूशन इस प्रकार के जो गुण हैं ये प्रदर्शित करते हैं। हम ऑस्मेटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब पर डिस्कस करें, एक एक करके इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करें। उससे पहले कि ऑस्मेटिक प्रेशर पे डिस्कस हो, हम ये डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ऑस्मोसिस एक्चुअल में होता क्या है, क्या ऑस्मोसिस है और क्या डिफ्यूजन है, क्या होता है परासरण और क्या होता है विसरण। देखिए ऑस्मोसिस एक साधारण प्रोसेस, आप छोटे स्तर से ही इसको पढ़ते चले आए हैं। इट इज ए स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from dilute solution to concentrate solution or from pure solvent to
solution through semi permeable membrane. ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु यानी मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट विलायक के अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या फिर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो स्वतः प्रवाह होता है जो प्राकृतिक प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से जब आप दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को या फिर शुद्ध विलायक को सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से जब आप सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पार करके सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगते हैं, सॉल्यूशन की ओर जाने लगते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के अणुओं को तो अपने से होकर गुजरने देती है किंतु जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं अवाष्पशील विलय होते हैं उनके कणों को पार्टिकल्स को अणुओं को अपने से होकर गुजरने नहीं देती। एक्चुअल में जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल का जो साइज होता है वो नियर अबाउट 10^-8 सेंटीमीटर की रेंज में होता है, 10^-8 सेंटीमीटर की रेंज में होता है। और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं जब ये डिजॉल्व करते हैं हम सॉल्वेंट में तो उनका जो साइज होता है जस्ट इंक्रीज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 10^-7 सेंटीमीटर की रेंज में। ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं बड़े वाले ये सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है सॉल्यूट के जो पार्टिकल है उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। मैंने आपको बताया कि नियर अबाउट 10^-7 सेंटीमीटर की रेंज में होता है और जो विलायक है जो सॉल्वेंट है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज होता है वो 10^-8 सेंटीमीटर की रेंज में होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ नेचुरल होती हैं जैसे एग मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, यह सभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हैं। कुछ जो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है जैसे हम बना सकते हैं लैब में वो होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की, तो कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लें, सेल मेम्ब्रेन ले लें, एग मेम्ब्रेन ले लें, ये सारी की सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब आप इसको सेपरेट कर रहे हैं या तो जो लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है या फिर ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने लगते हैं गुजरने लगते हैं सॉल्यूशन की ओर जाने लगते हैं। तो ये जो नेचुरल अकरिंग फ्लो है जो ये स्वतः प्रवाह होता है जो ये प्राकृतिक प्रवाह होता है इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब एक साधारण सा उदाहरण आप इसके लेते हैं एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस यानी वही परासरण और अंतः परासरण, यानी वही परासरण को आप देख सकते हैं जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर होता है उस अंगूर को अगर आप किसी हाई शुगर सॉल्यूशन में रख देते हैं कॉन्सेंट्रेट शुगर सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है एसोसिएट हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाएगा अगर आप ग्रेप को कॉन्सेंट्रेट शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, यानी उसके जो अंदर का जो वाटर है वो निकल के कहां जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक, और इसके विपरीत अगर आप किशमिश ले लें और किशमिश को अगर आप पानी में प्योर सॉल्वेंट में रख दें तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा वो क्या हो जाती है एक्सपैंड फूल जाती है उसका प्रसार हो जाता है। ठीक है, तो ये अंतः परासरण और वही परासरण दो प्रकार के ये परासरण होते हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहते, बायोलॉजी में बात केवल करेंगे परासरण की। ठीक है, तो क्लियर होगी बात कि विलायक के अणुओं का
अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर या फिर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जो प्राकृतिक प्रवाह है, ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब यह विसरण यानी कि डिफ्यूजन से किस प्रकार भिन्न है, कभी कभी थोड़ा दोनों में अंतर पूछ लेता है कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इन दोनों प्रोसेस में क्या जो है डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है कि ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, यानी यहां पे विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है, ठीक है, या कम सांद्रता के विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। बट इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या करते हैं? टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के जो सॉल्यूशन है, भिन्न भिन्न सांद्रता के जो सॉल्यूशन है, उन्हें डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखते हैं। तो क्या होता है ये फिनोमिना? फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम ए मोर कॉन्सेंट्रेट टू लेस कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन सो एज टू फॉर्म ए होमोजीनस सॉल्यूशन। यानी कि जब कम सांद्रता के विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन के सीधे संपर्क में रखते हैं, ठीक है, विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब एक दूसरे के डायरेक्ट टच में रखते हैं, तो जो विलायक के पार्टिकल हैं, यानी पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट, ये मूव करने लगते हैं हाई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की डायरेक्शन में। ये वाला इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पार्टिकल है सॉल्वेंट का, ठीक है, और पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के कण हायर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है। विलायक के अणु सॉल्वेंट के पार्टिकल कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर मूवमेंट करने लगते हैं। इस प्रकार विलायक और विलय के अणुओं की एक दूसरे के विपरीत यह गति, इस गति को हम क्या कहते हैं? इस गति को हम कहते हैं डिफ्यूजन यानी कि विसरण, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर पे। थैंक यू।